नमस्कार दोस्तों, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की पोइम द बॉल पोइम बाई जॉन बैरीमैन इसको कंप्लीट करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट के अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें। चलते हैं अपने पोइम के फर्स्ट पैराग्राफ की ओर। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वॉटर। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। पोइट एक लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसने कि अपनी बॉल खो दी है, और वह उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है, रिस्पॉन्स जानना चाहता है कि उसने अगर अपनी बॉल खो दी है तो अब वह क्या करेगा। क्योंकि आई सो पोइट ने खुद देखा है कि उसकी बॉल धीरे धीरे खुशी खुशी उछल कर नीचे जा रही थी, और वह पास के नदी के पानी में गिर चुकी है। और इस बात को कहने का कोई भी मतलब नहीं है, देयर इज़ नो यूज़ टू से, कि जब उसके पास और भी बहुत सारी बॉल हैं, मीन्स यह कहकर सांत्वना देने में उसे कोई भी भलाई नहीं है, क्योंकि उसे दूसरी गेंद मिलेगी, उसके पास दूसरी गेंदें भी हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम अनदर बॉल इज बर्थलेस नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पोइट ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि एक अल्टीमेट, एक न खत्म होने वाला एक दुख जो है उसको घेरे हुए है, वह पूरी तरह से दुख में घिरा हुआ है, वह दुखी है क्योंकि स्टैंडिंग रिजिड एंड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, नीचे देखते हुए वह थोड़ा सा कांप रहा है, वह डर से पूरी तरह से कांप रहा है, और वह बचपन में जो हार्बर पर, जो बंदरगाह पर उसकी जो गेंदें चली गई हैं उनको देखते हुए काफ़ी दुखी है, क्योंकि उसकी गेंद पानी में चली गई है, लेकिन वो गेंदें उसे याद दिलाती हैं कि उसकी मीठी यादों की याद दिलाती हैं कि वो गेंदें उसकी थीं और उनका नुकसान उसके लिए असहनीय है। पोइट ये कहता है कि उसे उस लड़के से ये भी नहीं कहना है कि एक दूसरी बॉल आ जाएगी ए डाइम, कुछ पैसे में उसको एक नई गेंद मिल सकती है, लेकिन जो पहली वाली फीलिंग है वो अब उसके साथ नहीं आएंगी, क्योंकि उसे अब जिम्मेदारी का एहसास आ जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को सीख लेना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशनेस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बायज ए बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल ही इज लर्निंग बेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। पोइट बताना चाहता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कई सामान खो जाते हैं, केवल गेंद को वह जानता है, एक बच्चा केवल गेंद को जानता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सांसारिक रिश्ते हो सकते हैं वो खो जाते हैं, लेकिन उसे उनके बिना जीना सीखना होगा। नो वन बायज़ ए बॉल बैक, कोई भी बॉल दोबारा नहीं खरीदता। मनी तो एक्सटर्नल है, सारी चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यदि आपको कुछ खरीदना है
तो भौतिक चीज़ें खरीद सकते हैं, बट ये अपनेपन की भावना, पजेशननेस, ये नहीं खरीद सकता है। कभी कहता है कि लड़का सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग, कि खोई हुई चीज़ों के खिलाफ, एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, खोई हुई चीज़ों के खिलाफ कैसे खड़ा होना है, और वह जीवन की सच्चाई को वह सीख रहा है कि किस तरह से चीज़ों को खो जाने पर हम उसके लिए दोबारा से खड़े हो सकते हैं। सो नाउ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन और एंड द पोएट रिप्रेजेंट ए बॉल एज ए मटेरियल थिंग एंड ए बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल मीन्स द थिंग्स दैट आर मटेरियल दैट आर वर्ल्डली वंस दे बी लॉस्ट इन स्पाइट ऑफ दैट द मनी विच यू हैव विद यू इट कैन परचेज मैनी थिंग्स बट द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंस ऑफ पजेशननेस एंड द सेंस ऑफ लाइफ हैड टू बी लर्न बाई हिमसेल्फ एंड हैड टू लर्न द आर्ट ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट द लॉस। सो दिस इज योर पोएम। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द नेक्स्ट पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।